सीधा रुख करेंगे मधुपुर का, जो हमारे दोनों सहयोगी राकेश और विपिन उपाध्याय मौजूद है। राकेश, जिस तरीके से मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है, कांग्रेस लगातार वहां पर सभा कर रही है, कल सीएम भी वहां पर कैंप करने वाले हैं, वहां पर जो हलचले हैं, क्या कुछ चल रहा है चुनाव की जीत को लेकर, चाहे बीजेपी की हम बात करें, चाहे हम महागठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी की बात करें, कैसी हलचले हैं वहां पर? बिल्कुल राधा, देखिए मधुपुर उपचुनाव को लेकर जो सियासी गर्माहट और सियासी जो गर्मी है वो मधुपुर आने के साथ ही महसूस की जा सकती है। आज जैसे ही न्यूज 11 की टीम मधुपुर पहुंची और आपको वो गर्माहट, वो सियासी तौर पर वो मिजाज यहाँ नज़र आने लगा। बहरहाल अगर आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के कई नेता जो बड़े चेहरे हैं वो मधुपुर में कैंप कर चुके हैं। आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता की बात करें, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो 6 तारीख से ही मधुपुर में हैं और लगातार वो कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से राज्य सरकार में जो मंत्री हैं वो यहाँ कैंप कर चुकी हैं। चंपई सोरेन मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चे के कोटे से वो भी यहाँ कैंप कर चुके हैं और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक हैं, इरफान अंसारी की बात करें या फिर आप मंत्री बादल पत्रलेख की बात करें, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे यूपीए फोल्डर के वो यहाँ मौजूद हैं, कैंप कर रहे हैं और लगातार अपने प्रत्याशी हफीजुल अंसारी के पक्ष में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार इसलिए भी किया जा रहा है, जो बातें यूपीए की तरफ से कही जा रही है कि यहाँ जो लड़ाई है वो जीत हार को लेकर नहीं है राधा, यहाँ जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक बड़े मार्जिन को लेकर है, जैसा कि यूपीए के बड़े चेहरे कह रहे हैं कि यहाँ जो लड़ाई है बड़े मार्जिन को लेकर है और उनको उम्मीद है कि जो परिणाम होगा वो बेहद सुखद होगा। दो उपचुनाव जिस तरीके से यूपीए ने जीता, चाहे दुमका की बात कर ले, बिरमो की बात करें, तो यहाँ भी हैट्रिक लगने जा रहा है और जो मार्जिन होगा वो दोनों उपचुनाव से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये दावा यूपीए की तरफ से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी कई विधायक यहाँ कैंप कर चुके हैं। खुद विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं गंगा नारायण उनके पक्ष में लगातार चुनावी सभाएं की जा रही है। इसके अलावा जो सारठ के विधायक हैं बीजेपी के वो यहाँ मौजूद हैं, धनबाद के जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तो ऐसे बीजेपी ने भी अपनी पूरी फौज एक तरीके से लगा रखी है। हालांकि बीजेपी के और जो बड़े चेहरे हैं, जो दूसरे नेता हैं, चाहे दीपक प्रकाश की बात करें, वो फिलहाल उनका जो कार्यक्रम है वो बंगाल, चूँकि चुनाव है तो वहाँ वो ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख से दीपक प्रकाश की भी यहाँ मौजूदगी होगी और उसके बाद जो मधुपुर की जो सियासी फिजा है, जो सियासी गर्माहट है, उसको और ज़्यादा महसूस आप कर सकेंगी। इस बीच जो खबरें हैं कि से मुख्यमंत्री भी लगातार यहां कैंप करेंगे, 14 तारीख तक मुख्यमंत्री का यहां कार्यक्रम लगना है। इसके अलावा राज्य सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी लगातार यहां मौजूद रहेंगे, तो कुल मिलाकर जो मधुपुर की जो सियासी आवो हवा है, जो सियासी गर्माहट है, वो धीरे धीरे कर अब तेज होती जा रही है और पक्ष विपक्ष दोनों के जो नेता हैं, दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, अपने अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर पूरी तरीके से गोलबंद और पूरी तरीके से पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासी फिजाओं में जो चीज़ें महसूस की जा रही है मधुपुर में, वो कहीं ना कहीं यूपीए के पक्ष में नज़र आता है और कहीं ना कहीं जो एकजुटता यूपीए के इस चुनाव में नज़र आ रही है उससे आप कह सकती हैं कि बीजेपी थोड़े सकते में है। खासतौर पर बीजेपी ये कह रही थी कि ये चुनाव बीजेपी नहीं एनडीए लड़ रही है, लेकिन आसू ने जिस तरीके से खामोशी बरती है, अब इस चुनाव में आसू का कोई नेता यहां मौजूद नहीं है, कोई बड़ा चेहरा आसू का यहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं मौजूद है, तो कहीं ना कहीं बेचैनी बीजेपी में है। और जिस तरीके से दावे लगातार यूपीए की तरफ से किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि यूपीए के जो प्रत्याशी हैं, चूँकि लोग जो है वो विधायक नहीं चुनेंगे, सीधे मंत्री चुनेंगे, तो उसका सियासी तौर पर कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। जो यहाँ से जो उनके विधायक रहे हैं, हाजी हुसैन अंसारी दिवंगत हो चुके हैं, जिनके जगह पर उनके बेटों को उम्मीदवार बनाया गया है, तो उनका जिस तरीके का सियासी कद रहा है और मधुपुर को लेकर पूर्व में, क्योंकि वो कई बार मंत्री भी रहे, यहाँ से विधायक भी चुनकर आए हैं, तो उन्होंने पूर्व में जिस तरीके से काम किया है, उनको लग रहा है कि इसका एक तरीके से फ़ायदा जो है वो प्रत्याशी हफीजुल को ज़रूर मिलेगा और एक श्रद्धांजलि के तौर पर भी लोग जो हैं वो इस बार हफीजुल को देख रहे हैं कि उनके पिता हफीजुल की जीत यानी कहीं ना कहीं हाजी हुसैन अंसारी को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो इस तरीके के सियासी मिजाज और आवो हवा यहाँ है। बहरहाल ये चुनाव है, जब तक चीज़ें
दोनों तरफ से ज़रूर रस्साकसी है, दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन माहौल कहीं ना कहीं जो है वो यूपीए के पक्ष में फिलहाल नजर आता हुआ दिख रहा है। राजदा, राकेश, बीजेपी या एनडीए की बात कर ले, एक अलग तरह की रणनीति अभी इनकी चल रही है। आजसू जो इनकी सहयोगी पार्टी है, आजसू कभी भी नहीं कहता है, लेकिन जो बीजेपी है वो हमेशा सहयोगी पार्टी कहता है। अपनी सहयोगी पार्टी से बीजेपी में शामिल कराकर कैंडिडेट के तौर पर उतारना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या इसका फायदा होगा बीजेपी को? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है आजसू के साथ, और एक थैली शाह को जो है वो पैसे के लिए बीजेपी ने टिकट बेच दिया है। तो ये सियासी तौर पर इन चीज़ों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो रखने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं इस उपचुनाव में। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आजसू ने दूरी बना रखा है, चूँकि उनके उम्मीदवार थे पहले, पूर्व में वो यहाँ से चुनाव भी लड़े थे गंगा नारायण आजसू की टिकट पर, लेकिन इस बार पाला बदलकर वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी की टिकट पर इस बार वो चुनावी मैदान में है। तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक असर जरूर दिख रहा है। लेकिन जो जानकारी है राजदा, क्योंकि ये एक म्यूचुअल ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बंगाल में चूंकि आजसू को एक टिकट मिला है, बंगाल में वो एनडीए का हिस्सा है, तो वो एक म्यूचुअली चीज़ें हुई थी। लेकिन नाराजगी किस बात को लेकर है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब बीजेपी के जो प्रत्याशी है गंगा नारायण, जिन उनका जब नॉमिनेशन हो रहा था तो उस वक्त आजसू का कोई बड़ा चेहरा यहाँ मौजूद नहीं था, न ही बैनरों पोस्टरों में उनको जगह दी गई थी। तो ये बात कहीं ना कहीं आजसू को धर कर गई है, और यही वजह है कि अब तक के जो चुनाव के जो शोर हैं, जो अब तक जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें आजसू का कोई चेहरा, चाहे उनके विधायक लंबोदर महतो की बात कर ले, सांसद की बात कर ले, या खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बात कर ले, तो इन तमाम बड़े चेहरे जो आजसू के हैं, उन्होंने फिलहाल मधुपुर उपचुनाव से दूरी बना रखा है। और जो जानकारी न्यूज 11 के पास है राजदा, कि पूरे चुनाव तक आजसू जो है वो प्रचार प्रसार के लिए यहाँ नहीं आएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, और जिस नेता कि जहां जरूरत होगी उनको उस तरीके से लगाया जाएगा। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं दोनों पार्टियां अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। हमारे साथ सहयोगी बिपिन उपाध्याय भी है। बिपिन, क्या आबो हवा वहां पर कह रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लगातार आप दोनों वहां पर है, फील्ड में है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? जी देखिए राजदा, अगर बात की जाए झारखंड में बीते एक दशक में हुए उपचुनाव की, 2011 से अगर हम जोड़ना शुरू करते हैं, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो भी उपचुनाव राज्य में हुए हैं, चाहे जमशेदपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए हो, हटिया विधानसभा का उपचुनाव 2012 में हुआ हो, खरसावां के लिए बाई इलेक्शन कराए गए हों, या फिर बात की जाए कि जिस तरह से लोहरदगा में, गोमिया में, सिल्ली में, गोड्डा लिट्टीपाड़ा के बाद जो अंतिम उपचुनाव चतुर्थ विधानसभा में हुए थे कोलेबीरा के, और उसके बाद अभी जो 6 महीने पहले 2 उपचुनाव हुए बेरमो और दुमका के, तो इन उपचुनावों की अगर हम समीक्षा करते हैं तो बीजेपी यहां पर काफी बैकफुट पर नजर आती है। सिर्फ खरसावां में मुख्यमंत्री रहते अर्जुन मुंडा ने जब उपचुनाव लड़ा था 2011 में, तब उन्हें जीत हासिल हुई थी, और इसके अलावा गोड्डा से 2016 में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तब अमित मंडल ने वहां चुनाव जीता था। इसके अलावा हर जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, चाहे हटिया की बात करें, लिट्टीपाड़ा की बात करें, गोमिया की बात करें, सिल्ली की बात करें, या फिर हम कोलेबीरा की बात करें, और हाल के दिनों में जो 6 महीने पहले हुए चुनाव बेरमो और दुमका की बात करें, तो इस मामले में कहीं ना कहीं एक मॉरल एडवांटेज यूपीए के पास यहाँ पर है कि जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़ा है यूपीए ने, तो उसका फायदा यहाँ पर यूपीए गठबंधन को लगातार मिलता है। और इस उपचुनाव की बात अगर करें तो ये उपचुनाव किन परिस्थितियों के बीच है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे हाजी हुसैन अंसारी, उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई है और अब जाकर यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि उपचुनाव में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि उस आधार पर यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन जो असेंबली के हुए थे उससे तुलना अगर मधुपुर के इस उपचुनाव की करते हैं, तो 2019 के जनरल इलेक्शन में एक दर्जन
ज्यादा उम्मीदवार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और इस बार मात्र 6 उम्मीदवार है। तकरीबन 3.5 लाख मतदाता जो है वो 17 अप्रैल को फैसला करेंगे कि मधुपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा झारखंड विधानसभा के अंदर। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का मुकाबला सीधा मुकाबला नजर आ रहा है, भाजपा की लड़ाई सीधे तौर पर नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो कि सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं हफीजुल हसन अंसारी, और राजदा अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर राज पालीवार का टिकट काटा गया, गंगा नारायण जो कि पिछले मर्तबा आसू के संबल पर चुनाव लड़े थे उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से राज पालीवार की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नामांकन तक में उनकी मौजूदगी नहीं थी। और राजदा आपको एक छोटी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मधुपुर में जो राज पालीवाल है जो कि रघुवर सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे उनके आवास के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन इस आवास पर पसरी जो खामोशी है वो अपने आप में सब कुछ कह रही है। 2019 के चुनाव में जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ पर लगातार रणनीति बनाते कार्यकर्ता नजर आते थे, उनके समर्थक नजर आते थे, लेकिन ये आवाज जो है पूरी तरह से वीरान पड़ा है। और अगर बात लड़ाई की जाए तो इस उपचुनाव में जो लड़ाई अगर बीजेपी की तरफ से हम सबसे पहले बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तो जो यहाँ जेएमएम के उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से हफीजुल हसन अंसारी, उनसे बीजेपी उम्मीदवार की लड़ाई है, साथ ही साथ जो बीजेपी के अंदर जो नाराज धड़ा है उसको मनाने की लड़ाई है, और तीसरी लड़ाई है कि आसू जिसने की समर्थन दिया हुआ है इस उपचुनाव में बीजेपी को, लेकिन आसू की सक्रियता यहाँ पर नहीं है। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष भाजपा के लिए, और जहां तक बात अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए करे तो निश्चित तौर पर अब तक जिन परिस्थितियों में जब जब भी कोई सीट खाली हुई है किसी के निधन से, तो ऐसे में अब तक का इतिहास पलट के देखे झारखंड में होने वाले उपचुनावों का, तो ऐसे में सिंपैथी एक बड़ा फैक्टर बनकर जरूर आता है। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा दाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेला है हफीजुल हसन अंसारी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर उम्मीदवार बनाने का, और अब बतौर मंत्री वो क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं और एक मैसेज देने की यह भी कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि जो चुनकर जाएगा वो राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर होगा तो ऐसे में क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। और अगर बात करें अलग झारखंड बनने के बाद से राजदा, तो 2005 में जब पहली बार यहां पर असेंबली के लिए चुनाव हुए थे तो राजपालीवाल ने हाजी हुसैन अंसारी को हराया था, और फिर 2009 में राजपालीवाल का टिकट बीजेपी ने उस वक्त भी काटा था और उस वक्त फिर बीजेपी उम्मीदवार जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में हाजी हुसैन अंसारी को फिर से हार का सामना करना पड़ा जब राजपालीवाल को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया। फिर 2019 में हाजी साहब चुनाव जीत कर आए, तो लगातार सीट यहां पर बदलता रहा है। लेकिन जिन परिस्थितियों के बीच अभी उपचुनाव हो रहा है तो उस संपत्ति को गेन करने की एक बड़ी कवायद में यूपीए का पूरा कुनबा जुटा हुआ है, जिस तरह से लगातार तमाम दिग्गज चेहरे जो है, या फिर हम यूं कहें कि झारखंड की सियासत जो है वो मधुपुर में पूरी तरह से शिफ्ट कर चुकी है, और कल से ये जो तपिश है और काफी तेज होगी क्योंकि खुद कल से मुख्यमंत्री का मान संभालने के लिए मधुपुर के जो चुनावी मैदान में आने वाले हैं। चलिए, तो अब दोनों अपनी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उन्हें लेकर आश्वस्त तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आबो हवा है वो महागठबंधन की तरफ इशारा करिए। खैर, देखना अब ये है कि 17 अप्रैल को वहां की जो जनता है मधुपुर की वो अपना क्या फैसला सुनाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिपिन और राकेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपने कैंडिडेट को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि अपनों से भी जो उनके सहयोगी हैं उनसे भी थोड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। कोई भी आजसू से वहां पर नेता नहीं पहुंचा है पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। राज परिवार का भी घर दिखाया हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने, वो जगह भी पूरे तरीके से सुनसान है। राज परिवार भी कहीं पर नजर नहीं आए प्रचार प्रसार के दौरान।